कांग्रेस का नेता है, एक परिवार की पार्टी है, इसको कोई फोबिया हो जाता है। कभी तो पीछे से भाषण दिया था कि मैं पार्लियामेंट में बोल दूंगा तो धरती हिल जाएगी। फिर कभी कहता है कि मैं 15 मिनट अगर बोल गया तो मोदी जी टिक नहीं पाएंगे। अब कहता है कि मोदी जी चीन से डरते हैं, चीन को जमीन दे दी, जबकि सारी दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि 1962 की लड़ाई में चीन ने हमारे इलाके को हथिया लिया, हमने अपने नक्शे से उस जमीन को नहीं, अक्साई चीन की जमीन को नहीं हटाया है। पहली बार भारत की सेना ने पराक्रम दिखा के सर्दी के इस बर्फीले पहाड़ों के ऊपर, भाई उसमें एक तरफ चीन की है, एक तरफ हमारी है, बीच में नो मैन्स लैंड होती है, 3 किलोमीटर का कहीं 4 किलोमीटर का नो मैन्स लैंड है वो टेरिटरी, ताकि आमने सामने सेना ना हो। वो ये फैसला कर रखा है, किसी का नहीं है, उसमें कभी हम चले जाते हैं कभी ये चले जाते हैं। कल परसों ये फैसला किया कि भाई अब जो है बीच वाली 3-4 किलोमीटर में कोई नहीं जाएगा, अपने अपने दूर हो जाओ ताकि आगे कोई जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन ये हमारे ज्ञानी विपक्षी नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि चीन को जमीन दे दी, ये जरूर है चीन को जमीन दी, लेकिन इनके नाती जो थे जवाहरलाल नेहरू, उसने पहली बार किसी युद्ध में भारत हारा था तो उस वक्त हारा था और वो नहीं संभाल पाए देश की अखंडता को, और चीन से किसी पार्टी ने चंदा लिया है तो वो कांग्रेस पार्टी है जो रिकॉर्ड में ब्लैक एंड व्हाइट में दे रखे हैं। आज आत्मनिर्भर भारत की तरफ मोदी जी ने जो नारा दिया उसके बाद चीन का इंपोर्ट घटा है। चीन को समस्या है कि भारत 135 करोड़ की मार्केट है, अगर चीनी सामान यहाँ धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा कि उधर से अमेरिका उसको टाइट कर रहा है, उधर से जापान कर रहा है, एक हमने अपनी जो रक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका और भारत मिलके उसको सामने समुद्र में घेर रहे हैं, बौखलाया हुआ चीन है, तो कहीं ना कहीं जो ये टावर तुड़वाने में या लाल झंडा चमकाने में चीन का हाथ इसी में है। हमारे भोले भाले, मेरे खासकर जो जिस बिरादरी से मैं बिलोंग करता हूँ, बहादुर कौम है, मुझे गर्व है कि भी मैं इस कौम से हूँ, लेकिन जो ये आज के बेवजह इस आंदोलन में साथ देते हैं इसका मैं साथी नहीं हूँ। पहले भी पिछली योजना के अंदर उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे प्रदेश में आग लगा के एक नेता गया था, खूब यहाँ दंगे हुए, जान माल गई, हजारों बेगुनाह पे मुकदमे बन गए, अभी भी कुछ नौजवान हमारे जेलों में हैं। लेकिन देखो कितनी शॉर्ट मेमोरी है, हमारी बिरादरी के उस नेता को भूल गए, अब उनको एक नया अवतार मिल गया है, उसको पगड़ी बांध रहे। मैं तो कहता हूँ भाई पगड़ी बांधनी है तो पिछले वाले को भी साथ ले आओ, आपको नेतृत्व चुनना है, सड़क छापते नेतृत्व की भरोसा ना करो। हमारी बिरादरी के अंदर जनरल हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बहादुरों की कौम है, लेकिन हमें अलग करने का जो प्रयास करते हैं जो सड़क छाप नेता है, मैं इसकी खंडन करता हूँ और इसका साथी नहीं हूँ। और मैं कहता हूँ कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन नेतृत्व तो चुनना भी आपका दायित्व है। कौन आपका नेता होगा? कम से कम हरियाणा के लोग किसानों की कोई समस्या है तो हरियाणा के किसानों की समस्या हरियाणा का नेता ठीक करेगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से या पंजाब से आके नहीं करेगा। मैं अपनी बात पर फिर दोहराता हूँ कि इन सारी आंदोलन में हरियाणा के हितों को बेचने का काम किया है खासकर कांग्रेस पार्टी या जो आंदोलनकारी नेता जिन्होंने SYL की आवाज़ को दबा के पीछे कर दिया। ये लोग आने वाली पीढ़ियों को हिसाब नहीं दे पाएंगे कि इस आंदोलन में जब ज़रूरत थी दक्षिण हरियाणा को, जहां हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं है, उस आवाज़ को कहा कि अब तो भाईचारा अच्छा है, अब इकट्ठे होके 40 जत्थेबंदियों से एक घोषणा भी करवा देंगे, भाईचारे में इस्माइल नहर बनवा देंगे, भाईचारे में इस्माइल का फैसला हो जाएगा, तब मैं मानूं कि आपने 2-2.5 महीने भाईचारा निभाया है, खूब दूध जलेबी या लस्सी जो योगदान दिया है और
उनसे एक बयान ही दिलवा दे कोई भी कि भाई हम हरियाणा की ऐशवाहिल नहर में पंजाब के जत्थेबंदियां सहयोग करेंगे। 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का क्या कहना? ना मेरी बात सुन लो, आपके आप ये लाख दो लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐसे ही मर गए मतलब? मेरी बात, हाँ कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। आंदोलन में मरने वाले, आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन में, आंदोलन के दौरान वहां बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो लो यार, मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे संवेदनाएं। नागरिक का जहां तक मुद्दा है 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं है, अगर एक एक टुकड़े टुकड़े में कोई संवेदना की बात नहीं, भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हक हैं। 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं, ये मर जाए तो कोई बात नहीं, एक्सीडेंट में नहीं मरे ना, ये स्वेच्छा से मरे, कुछ तो स्वेच्छा से मरे, संवेदनाएं खुद प्रकट करता, मरे हुए हैं क्या प्रति, पूरी पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। ये नहीं देखो, कोई भी मरे, किसी पीछे किसी का घर खराब होता है, किसी के छोटे बच्चे हैं, लेकिन आम किसान भोला भाला है, कोई सिंपैथी के उसमें गया, कोई जाति के चक्कर में गया, कोई और चक्कर